हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसी टॉपिक के लिए एक और नाम भी अगर हम कहें तो टाइम वैल्यू मनी भी हम यूज़ करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, जो पहला पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट में हम दो चीज़ें देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कहें कि ये बोलते हो कि 5% का रेट है, 4% का है, तो वो एक नॉमिनल रेट है। दो तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसमें दो टाइप्स का पढ़ेंगे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा आपका आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर एक और कंसेप्ट भी हम इसके अंदर कवर अप करेंगे जो है हमारा एन्युटी का कंसेप्ट। एन्युटी के अंदर आप दो फॉर्मेट की एन्युटी पढ़ोगे, ऑर्डिनरी और ड्यू। और इसके अंदर जो दो वैल्यूज़ आप पढ़ेंगे, वैल्यूज़ की अगर बात करेंगे हम, वैल्यूज़ ऑफ एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ये सारा जो पार्ट है वो इस होल टॉपिक के अंदर, डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है हमारा कि इंटरेस्ट, एक वर्ड आप देख रहे हो इंटरेस्ट, व्हाट डज दिस मीन कि इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या। उसके बाद कंसेप्ट आता है कि व्हाट आर कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अगर बात कर रही हूँ मैं तो एक छोटा सा ही वर्ड है बस, आप कहोगे कि एक एक्स्ट्रा मनी। ठीक, आप क्या कह रहे हैं कि अगर किसी मनी लेंडर से या बैंक से आप कोई मनी बोरो कर रहे हो, उस मनी को अपने पास आप कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए रख रहे हो, उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब आप वो मनी बैक करोगे, रिटर्न करोगे, तो एक एक्स्ट्रा मनी यू हैव टू पे। दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज इंटरेस्ट फॉर द बोरोड मनी, करेक्ट। तो जब आप ये कह रहे हैं कि एक बोरोड मनी है, वो जो बोरोड मनी है फ्रॉम द मनी लेंडर और बैंक, और बैंक इन शॉर्ट, इसके अलावा और भी टर्म्स हो सकते हैं प्रिंसिपल के लिए, दैट मनी इज नोन एज प्रिंसिपल। ये टर्म्स हैं जो हम देखकर चलेंगे, प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है। ठीक, आपने कहा एक सर्टेन सम ऑफ मनी हमने बोरो किया है एक मनी लेंडर से या फिर बैंक से, दैट मनी इज नोन एज प्रिंसिपल। और एक्स्ट्रा मनी जो आप पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर द बोरोड मनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज इंटरेस्ट, करेक्ट। और टाइम पीरियड आप डिनोट करोगे जितने टाइम के लिए आप मनी बोरो कर रहे हो, वेदर फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अ पर्सन और फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, दैट इज डिनोटेड बाय टी। इंटरेस्ट को जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे देन इट इज डिनोटेड बाय SI, और जब कंपाउंड करेंगे देन इट इज डिनोटेड बाय CI। प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय P। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय R, परसेंट में रहेगा ये, पर एनम,
चलिए आप फॉर्मूला देख लेते हैं SI का. SI इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर SI. अब अगर एक अमाउंट की बात, अब यहां से अगर कोई भी वैल्यू इवैल्यूएट करना है, आपको पी इवैल्यूएट करना है, तो SI इंटू 100 अपॉन RT वो क्रॉस प्रोडक्ट होती चली जाती है. उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं लर्न करने वाले हम लोग. अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज पी प्लस पी आर टी अपॉन 100. पी को कॉमन कर रहे हैं, 1 + RT / 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट फॉर SI. ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ ये कंसेप्ट जो है हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अपना. अच्छा, एक और छोटा सा हमारा पॉइंट है फॉर्मूलाज के साथ साथ ही, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हैं तो दोनों ही इंटरेस्ट. जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू जो है दैट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म. फॉर सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स सेम फॉर द एंटायर टाइम पीरियड. मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एक ही प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट वर्क करेगा. आप सपोज करो आप कह रहे हो कि 5,000 रुपीज आपने किसी को दिए 4% के अकॉर्डिंग. ठीक, तो अगर आप ये कह रहे हो कि हर बार इंटरेस्ट आप इस 5,000 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो, देन इट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट. जब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, देन इट इज CI. जब आप ये कह रहे हो कि आपने 4% के अकॉर्डिंग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, ये ठीक है, दिस इज 200. अब अगर अगली बार भी आप कह रहे हो कि हम ये 4% सपोज करो मैं कह रही हूँ कि 3 years के लिए दिया हमने, फर्स्ट ईयर के लिए आपका 200 अमाउंट आ गया इंटरेस्ट का. नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर आप कह रहे हैं कि हमें इतना ही देना है 4% पे, तो अगली बार के लिए भी वही आया. अभी दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, जब बार बार आप उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो इनिशियली हमने लिया है उसी पर कैलकुलेट कर रहे हो. करेक्ट, जब हम ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा, आप कह रहे हो कि ये 200 आया उसको हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, और अब इस 5200 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, देन इट इज नोन एज CI. When interest is calculated on interest, then it is compound interest. And when the principal remains same, then it is SI. चलिए अब कुछ questions के साथ इसको थोड़ा सा clear करते हैं concept को ना. William deposited rupees 520 in a bank the bank pays 8% interest per annum. आपसे फाइंड आउट क्या करा रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट. फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट, एंड द अमाउंट आफ्टर 2 years. चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हमें मेंशन क्या क्या है. इतना डिपॉजिट किया तो ये आपकी क्या वैल्यू है, प्रिंसिपल. दिस इज 520. ठीक है, अभी कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 8%. आर हो गया हमारा 8%. टाइम पीरियड कितना है,
टू ईयर्स, ऐसा ही कैलकुलेट करोगे पहले, पी आर टी अपॉन 100, 520, 1040 into 8, 83.20, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अब अमाउंट बताना है तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट, प्रिंसिपल में एड ऑन कर देंगे 83.20, 0.203, 603.20, ये आपकी अमाउंट की वैल्यू हो गई। ठीक, अमाउंट इज 603.20। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। A farmer borrowed rupees 2400. A farmer borrowed rupees 2400 at 12% per annum. At the end of 5/2 years, he cleared his account. He cleared his account by paying rupees 1200 and a cow. Find the cost of cow. ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक, उसने कितना रुपीस बोरो किया, वो आपकी क्या अमाउंट, क्या वैल्यू हुई प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल इज 2400, कितना रेट के अकॉर्डिंग 12%। ये अब टाइम पीरियड भी आपको उसने मेंशन कर दिया है कि 5/2 years के बाद उसका जितना अमाउंट बनना चाहिए था उसमें से उसने 1200 तो कैश डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी एक काओ दे दी क्योंकि उसके पास टोटल वैल्यू नहीं था। तो अमाउंट जो है वो आपका कितना है 1200 प्लस काओ की कॉस्ट। ठीक, तो आपका एम क्या है कि ये अमाउंट निकालो, उसमें से ये 1200 लेस कर दो तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ काओ। चलिए अमाउंट पे जा रहे हैं सीधे, पहले एसआई निकाल लेते हैं। तो एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, या फिर डायरेक्टली अमाउंट के फॉर्मूला में भी आप डाल सकते हो, 2400 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 2 100, 144 इंटू 5 720 जो है वो आपका इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितनी हो गई हमारी, प्रिंसिपल प्लस एस आई, दैट इज 3120, ये आपके अमाउंट आ गए। इसमें से उसने क्या किया है कि 1200 कैश डाउन पेमेंट दे दिया। अमाउंट हमारा क्या है, 1200 प्लस काओ का कॉस्ट। तो 3120 इज इक्वल टू 1200 प्लस काओ, तो काओ की जो कॉस्ट आ जाएगी आपकी, दैट इज 3120 माइनस 1200 विच इज 1920। तो क्या आंसर हो गया आपके पास, काओ की कॉस्ट 1920। चलिए
होप ये बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसके एप्लीकेशंस को क्लैरिफाई करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय. हेलो एवरीवन, चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ सीआई के ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. If the simple interest on a certain sum of money, if the simple interest on a certain sum of money of money for 2 years is one fifth of the sum. Find the principal. Find the rate. Rate आपको find out करना है इस question के लिए. चलिए देखिए क्या कह रहे हैं आपको. उसने क्या मेंशन किया कि SI जो है एक सर्टेन सम पे, आपको सम नहीं पता कितना है, लेट द सम बी पी ले रहे हो आप, पी जो है वो हमारा सम है. टाइम पीरियड मेंशन किया है 2 ईयर्स. आर आपको इवैल्यूएट करना है, नहीं पता है. कंडीशन क्या मेंशन किया है कि जो SI है दैट इज 1/5 ऑफ सम, मतलब 1/5 पी है. करेक्ट. SI का फॉर्मूला रखते हैं, PRT/100. SI की वैल्यू इज P/5 रख दीजिए, इज इक्वल टू PR, इवैल्यूएट करना है T/100. PCP बैलेंस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R इज इक्वल टू 10%. ये आपका आंसर हो गया. बस चलिए और देखते हैं. मिसेज अनीता इन्वेस्टेड रुपीज 3500 फॉर फोर इयर्स एंड रुपीज 4500 फॉर 5 ईयर्स. एट द सेम रेट. रेट सेम है दोनों के लिए, ये मेंशन किया है क्वेश्चन में. इफ द टोटल रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट is ₹4380, find the rate of interest. ये rate of interest जो है वो हमें evaluate करना है. मतलब दो principal values, दो time periods mention किए with the same rate जो आपको मालूम नहीं है, to be evaluated. Total simple interest mention कर दिया, तो दो normal equations बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए. SI1 जिसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 3500 इंटू टाइम पीरियड इज 4, रेट हमें नहीं मालूम है, 100 बैलेंस हो गया, 140R, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका. SI2 इवैल्यूएट करोगे, उसके लिए प्रिंसिपल कितनी वैल्यू है 4500, टाइम पीरियड इज 5, रेट इज आर 100. SI1 + SI2 कितना मेंशन किया है 140R, 225R, और ये वैल्यू हमें कितनी दी है 4380. R is equal to 4380/365.
सेवन ज़ा फाइव थ्री ज़ा फाइव एट ज़ा फोर्टी एट सेवेंटी सिक्स अपॉन सेवेंटी थ्री दैट इज वन टू 12%. ये आपका आंसर हो गया. ठीक, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे टोटल गेन को इवैल्यूएट करा रहा है आपसे. अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000, अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000 फॉर टू ईयर्स एट 4%. फॉर टू ईयर्स एट 4% सिंपल इंटरेस्ट. ही इमीडिएटली लेट्स इट टू अनदर पर्सन. ही इमीडिएटली लेट्स इट टू अनदर पर्सन. किसी और पर्सन को दे दिया. अनदर पर्सन गिव इट टू अनदर पर्सन एट 6 whole 1/4% पर एनम फॉर टू ईयर्स. फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन पर ईयर. फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन पर ईयर. पर ईयर इस ट्रांजेक्शन में उसको कितना गेन हो रहा है ये आपको इवैल्यूएट करना है. आप कैलकुलेट करो पहले ये एसआई देन ये एसआई. ठीक है, चलिए एसआई वन इवैल्यूएट कर रहे हैं. जब उसने मनी टू ईयर्स फॉर 4% पे बोरो की कितना आएगा 5000 इंटू टू इंटू फोर अपॉन 100 400. ठीक, फिर उसने क्या किया ये मनी 6 whole 1/4 से किसी और पर्सन को 2 साल के लिए वापस दे दिया. एस आई टू कैलकुलेट कर दो. बे मनी वही है सिर्फ रेट चेंज हो गया. दिस इज 6 4 24 + 1 25/4 इंटू टाइम पीरियड इज 2 years अगेन इंटू 100. ये चला गया 2 ज़ा 5 2 2 5 6 2 5 इतना रुपीस. ठीक, उसको कितना गेन हुआ ये दोनों एसआई का जो डिफरेंस है वो उसका गेन है इतना. पहले क्या कहा था कि उस पर्सन ने इतना बोरो किया किसी पर्सन से इतना इंटरेस्ट पर. ठीक है, फिर इसी को उसने किसी और पर्सन को दे दिया तो इस अमाउंट को उसको पे करना है और ये अमाउंट उसको मिलेगा. तो उसका गेन इज दोनों एसआईज का डिफरेंस एसआई टू माइनस एसआई वन दैट इज 6 2 5 - 400 दिस इज 2 2 5 रुपीज. लेकिन ये क्या है देखिए एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि उसने पर ईयर का पूछा आपसे और जो इवैल्यूएट आप कर रहे हैं वो टू ईयर्स का. तो जो ये रेट भी आया है जो गेन है दिस इज फॉर टू ईयर्स. पूरे ट्रांजेक्शन में पर ईयर जो गेन आएगा उसका तो इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से. दिस इज 112.50 इतना गेन उसको पर ईयर मिलेगा इस होल ट्रांजेक्शन के ऊपर. एक और क्वेश्चन देखेंगे. इसमें थोड़ा सा रेशियो का पार्ट इंक्लूड किया है. रेशियो ऑफ रेट क्या मेंशन किया है हमें 5:4. लेट द रेट्स बी 5R and 4R. ठीक है, इंटरेस्ट इवैल्यूएट कर देते हैं. एक्स और वाई दोनों के जो इनिशियल डिपॉजिट है वो मेंशन कर रही हूं मैं. ए बैंक में
सम एक्स डिपॉजिट कर रहा है सपोज कर लो वो, और बी बैंक में कितना कर रहा है वाई डिपॉजिट कर रहा है, ये दोनों बैंक्स के सम मेंशन कर दिए हमने जिसका, और हमें इवैल्यूएट क्या करना है एक्स इज टू वाई, दोनों इंटरेस्ट को उसने इक्वल बोला आपको कितना है एस आई वन एस आई टू, इसको एस आई वन ही कर देते हैं, पी आर टी अपॉन हंड्रेड, पी है हमारा बैंक ए का, ये बैंक ए के लिए ले रहे हैं और बैंक बी के लिए, देखो क्या कह रहा है, पी मतलब एक्स, आर इज फाइव आर, टाइम पीरियड इक्वल हाफ एयरली है, सेम टाइम है आपके पास दोनों के लिए, ठीक है, तो उसको हम टी ही छोड़ रहे हैं, हाफ ईयर भी रख सकते हो क्योंकि इक्वल हाफ ईयरली बोल रहे हैं आप, तो इसको वन बाय टू भी कर सकते हैं हम, ठीक है, दिस इज वाई फोर आर और इसके लिए भी वन बाय टू, हंड्रेड, हंड्रेड से टू बैलेंस हो गया, आर से आपका आर चला गया, एक्स इज टू वाई इज फोर इज टू फाइव, ये आपका आंसर है बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ सीआई का कंसेप्ट जो है और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए जैसे कि इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो होपफुली आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा इस टॉपिक को करने के लिए, तो उसी इंटरेस्ट के साथ हम आज कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसके, जिससे कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज टू फाइव टू जीरो इन टू ईयर्स एंड रुपीज टू सेवन डबल जीरो इन फाइव ईयर्स, और आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द रेट परसेंट। चलिए देख लेते हैं हम इसको, आपको क्या मेंशन किया है कि टू इयर्स पर एक सर्टेन अमाउंट है जिसका वैल्यू जो है वो 2520 हो रहा है, तो अमाउंट कितनी हो रही है 2520 इन टू इयर्स, रेट आपको नहीं पता है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और प्रिंसिपल को हम लेट द प्रिंसिपल बी पी अज्यूम करके चल रहे हैं, और इससे एक अमाउंट का इक्वेशन पहले बना रही हूँ, पी वन प्लस आर टी अपॉन हंड्रेड, इसको एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, और एस आई का जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज पी आर टी अपॉन हंड्रेड, यहाँ से पी को कॉमन आउट करके ये कंडीशन हमें मिल गई थी अमाउंट के फॉर्मूला के लिए, करेक्ट। चलिए यहाँ पर वैल्यूज डाल रहे हैं, पहले वाला जो डेटा दिया है हमें कि 2520 अमाउंट हो रही है टू इयर्स के अंदर, उसको डाल रहे हैं, पी एज इट इज रहेगा, आर हमें फाइंड आउट करना है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अगेन अब दूसरी बार जो डेटा मेंशन किया है क्या अमाउंट हो रही है, नाउ अमाउंट इज 2700 और टाइम पीरियड है हमारा 5 ईयर्स, वापस से इसी फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं, 2700 इज इक्वल टू पी वन प्लस फाइव आर अपॉन हंड्रेड। अब आप क्या करेंगे, बस इक्वेशन नंबर टू अपॉन वन या वन बाय टू एज यू विश, हम कर रहे हैं वन अपॉन टू, देखिए जैसे ही आप वन अपॉन टू करेंगे 2520 अपॉन 2700, पी से पी आपका बैलेंस हो जाएगा, क्या टर्म बच रहा है हमारे पास, वन प्लस टू आर अपॉन हंड्रेड अपॉन वन प्लस फाइव आर अपॉन हंड्रेड, ये बैलेंस हो गया, थ्री से बैलेंस हो जाएगा, थ्री नाइन ज़ा थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, दिस इज 84 अपॉन 90 इज इक्वल टू
हंड्रेड प्लस टू आर अपॉन हंड्रेड प्लस फाइव आर. मोर सिंप्लीफिकेशन इज देयर. थ्री थ्री ज़ा नाइन ज़ीरो, थ्री टू ज़ा एट ज़ा. नाउ फ्रॉम टू फिफ्टीन एंड इट इज़ फोर्टीन. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1400 इज प्लस 70 आर इज इक्वल टू 1500 प्लस 30 आर. अब आर के साथ आर वाला टर्म आएगा. 70 आर माइनस 30 आर इज इक्वल टू 1500 माइनस 1400 दैट इज 40 आर इज इक्वल टू 100 which will give you R is equal to 10 by 4, that is 2.5%. ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ. अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 10 ईयर्स. Doubles itself in 10 years. In how many years? It will be 3x itself. ये question है आपके पास. एक सम ऑफ मनी है वो डबल हो रहा है आपका 10 इयर्स में. इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं. देखिए आप सपोज कर लीजिए कि लेट द मनी बी 100. अभी क्या मेंशन किया आपको क्वेश्चन के अंदर कि डबल हो रहा है तो 100 का कितना हो रहा है मनी? 200. डबल हो गया. कितना इंटरेस्ट आ रहा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड 100 रुपीज. करेक्ट. कितने ईयर्स में? 10 ईयर्स में. 100 रुपीज इन 10 ईयर्स. राइट. अब करना क्या है? 100 का 300 तो कितना इंटरेस्ट आएगा आपका? 200. कितने ईयर्स का? आपको नहीं पता है. इवैल्यूएट करना है. यहां से यूनिटरी अप्लाई कर रहे हैं. 100 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट है आपका 10 ईयर्स का. 1 रुपीज इंटरेस्ट आएगा 10 अपॉन 100 ईयर्स का. और 300 रुपीज इंटरेस्ट आएगा 10 इंटू 300 अपॉन 100 दैट इज 30 ईयर्स. ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. चलिए और एक देखते हैं. इन हाउ मेनी ईयर्स? इन हाउ मेनी ईयर्स would the simple interest on a certain sum, would the simple interest on a certain sum be 0.125 times of principal at 10% per annum. राइट. क्या क्या मेंशन है देखिए क्वेश्चन के अंदर. टाइम पीरियड इवैल्यूएट करना है हमें. टी को आपको इवैल्यूएट करना है. अननोन है. और क्या मेंशन किया है कि जो सम है इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी इतना टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. मतलब जो SI है दैट इज 0.125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं P. ये मेंशन किया है. रेट आपको कितना गिवन है? 10%. तो हम नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं. PRT अपॉन 100 दैट इज 0.125 P इज इक्वल टू पी आर इज 10 टी हमें इवैल्यूएट करना है अपॉन 100. पॉइंट को रिमूव करके नीचे 5 2 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा क्रॉस कर देते हैं. 25 ये पी से पी बैलेंस हो गया इज इक्वल टू 20 इंटू टी. टी इज इक्वल टू
25 अपॉन 20, 5 फोर ज़ा 5 फाइव ज़ा, दिस इज़ वन होल 1/4 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन देखेंगे, अ सम ऑफ रुपीज़ 1550, अ सम ऑफ रुपीज़ 1550 was lent partly at 5%, was lent partly at 5% and partly at 8%. मतलब आपको क्या कह रहा है कि कुछ पार्ट को 5% से यूज किया है और कुछ पार्ट को 8% से यूज किया है उसने, राइट? The total interest received after 3 years, the total interest received after 3 years, after 3 years is rupees 300, is rupees 300. The ratio of money, find the ratio of money lent at 5%, lent at 5% and 8%. ठीक, आपको क्या मेंशन किया है? टोटल इतनी टोटल अमाउंट है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया है, एक पार्ट को 5% से और एक पार्ट को 8% से। जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे उनका रेशियो प्रिंसिपल वैल्यूज का वो हमें इवैल्यूएट करना है। लेट वन पार्ट बी एक्स, ठीक, इसको उसने 5% से इन्वेस्ट किया है, टाइम पीरियड नहीं मालूम है हमें, सेम ही टाइम के लिए मेंशन किया होगा। एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं। After 3 years, अच्छा ये mentioned है time भी हमें 3 years के बाद, तो time is 3 years for both। अभी इसका जब SI निकालेंगे, SI1 that is PRT upon 100, XR3 upon 100, 15X upon 100, ये एक value मिल गई मुझे। फिर जो second वाला part है, second part कितना हुआ हमारा 1550 minus X, इसको इन्वेस्ट किया है उसने 8% से, इसके लिए भी टाइम पीरियड कितना है हमारा 3 years। इसका SI भी फाइंड आउट कर देते हैं, PRT अपॉन 100, 24 1550 माइनस एक्स अपॉन 100, ये 2। टोटल इंटरेस्ट दिस प्लस दिस कितना मेंशन है हमें 300, यही हमने रखना है। SI1 प्लस SI2 300 रुपीस, चलिए रखते हैं। 24 1550 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस 15X अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। ये वैल्यू आ रही है आपके, एक्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं यहाँ से, 24 into 1550 माइनस 24X प्लस 15X, 100 को LCM ले जाके राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं, 300 और ये टर्म आ गया हमारे पास, दिस इज 24 into 1550 माइनस 24 माइनस 15 9X इज इक्वल टू 30,000। 9X को उधर ले जाते हैं, 9X यहाँ से जो X की वैल्यू हमारी इवैल्यूएट होगी दैट इज 800। ये 800 आपको मिल गया, आपको दोनों पार्ट्स का रेशियो बताना है, तो दूसरा पार्ट हमें कहाँ से मिलेगा, 1550 माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट इज 1550 माइनस 800 दैट इज 0 5 750। अब जब आप रेशियो फाइंड करेंगे
तो रेशो इज जो रिक्वायर्ड रेशो है हमारा, रिक्वायर्ड रेशो इज 800/750. 5 ones are 5, 5s are 5, 6, 16 is 2, 15 जो है वो आपका आंसर हो गया. चलिए, इस सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा. बाकी एक प्रैक्टिस वर्क कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होने के बाद अभी और करेंगे हम. तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को करिए. कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय. हेलो एवरीवन, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट पूरा एक बार आपको क्लियर करा दिया था मैंने. कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब आप ये बोल रहे हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मेजर डिफरेंस है हमारा वो यही है कि यहाँ पर प्रिंसिपल रिमेन्स सेम, ठीक है, और मतलब यूनिफॉर्म रहेगा प्रिंसिपल हर बार. कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर, हर बार चेंज होगा, एवरी टाइम प्रिंसिपल चेंजेस. और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर बार एक ही प्रिंसिपल के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, करेक्ट. चलिए, अब अगर फॉर्मूला की बात करें हम तो अमाउंट के फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, देन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला करेंगे. फॉर्मूले में अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 रेज टू द पावर एन. ये कब, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि जो इंटरेस्ट है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और डेली बेसिस. वहां पर क्या था, पर ईयर का ही लग रहा था आपका इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि 3 ईयर्स के लिए वर्क कर रहा है, 4 ईयर्स के लिए वर्क कर रहा है, पर एनम वर्क कर रहा है, एक वर्ड आ रहा था पर एनम. इधर आपके पास एनुअली भी वर्क कर सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर. तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये कब यूज होगा, व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड एनुअली, और ईयरली भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है. यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंगे तो इंटरेस्ट क्या होता है हमेशा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज पी 1 + R/100 रेज टू द पावर एन माइनस पी, दैट इज पी ये. यहां पर एन जो है आपका वो टाइम पीरियड, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इसको कन्वर्जन पीरियड भी बोलते हैं. कन्वर्जन पीरियड, आर इज अगेन रेट परसेंट. चलिए, ये तो बात हो गई जब आप ये कह रहे हैं कि हम एनुअली या ईयरली बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की. इफ वी आर सेइंग कि एनुअली वर्क नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि हाफ ईयरली है रेट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली. सेकेंड पॉइंट आ रहा है इसके अंदर हमारा, व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली. देन अमाउंट इज इक्वल टू पी, इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि रेट जो है उसको आप हाफ कर देंगे, तो आर अपॉन हंड्रेड की जगह पर क्या आएगा हमारे पास 200, एंड टाइम पीरियड इज मल्टीप्लाइड बाय 2. क्यों, क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो कि 1 ईयर का टाइम है सपोज करो, उसके अंदर कितने सेमी ईयर्स आ सकते हैं, कितने 6-6 मंथ्स के पीरियड आएंगे, 2 6 मंथ्स के पीरियड होंगे, फर्स्ट 6 मंथ एंड देन अगेन 6 मंथ्स. दैट्स वाई टाइम पीरियड इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रेट इज डिवाइडेड बाय 2. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे इस केस में तो अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड जो केस आएगा आपका, व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड क्वार्टरली, क्वार्टरली में आपके पास, क्वार्टर मींस चार पार्ट्स में डिवाइड होगा, वन ईयर का जो टाइम पीरियड है, दैट मींस थ्री मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, तो रेट इज डिवाइडेड बाय फोर एंड टाइम पीरियड इज मल्टीप्लाइड बाय फोर। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पी वन प्लस आर अपॉन 400 होल पार एन फोर एन माइनस वन। वैसे तो इतना ही फॉर्मेट बनता है, बट मंथली का भी और डेली का कंसेप्ट भी एक बार हम कर लेते हैं, कुछ किसी किसी क्वेश्चन के अंदर कई बार यूज हो जाता है वो पार्ट भी। अभी जब बात करेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज मंथली इज कैलकुलेटेड मंथली, तब अमाउंट इज पी वन प्लस मंथली में 1200 और टाइम पीरियड, हर बार सेम कंसेप्ट आ रहा है। देखो जब आप क्वार्टरली कह रहे थे 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, सेमी में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, मंथली में 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई। कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो होल पार 12n माइनस 1। व्हेन डेली बेसिस इंटरेस्ट यूज्ड, देन अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 365000। इतना बड़ा कैलकुलेशन स्टिल की पूछा नहीं होता है कभी कभी, बट स्टिल नॉलेज में होना चाहिए। कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं तो उसके हर पार्ट को कवर अप करके चलते हैं, वी डोंट नीड टू लिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम द चैप्टर ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपका पुट अप हो जाएगा जब आप डेली बेसिस की बात करेंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन से थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। निकिता इन्वेस्टेड रुपीज 8000 फॉर 3 years एट 5% CI, फॉर 3 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। What sum will she get after three years? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। पर एनम मेंशन किया है ये, उसने हाफ ईयरली क्वार्टरली आपको कुछ मेंशन नहीं किया, दैट मींस अंडरस्टूड है कि एनुअली वर्क कर रहा है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8000, टाइम पीरियड 3 years, रेट इज 5%, अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं पी वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। 8000 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल पार 3, दिस इज 8000 इंटू 21 अपॉन 20 का होल क्यूब। 8000 इंटू 21 अपॉन 20 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 21 का क्यूब अगर हम देख रहे हैं दैट इज आई थिंक 4691, दिस इज 9261, राइट। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता देन हम क्या कर देते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 9261 माइनस 8000, दिस इज 1269,
6,161, इतना आपका इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाती है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एप्लीकेशंस के साथ इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप फॉर्मूलाज के साथ एक बार थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। होपफुली ये चैप्टर करने में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट, पिछली क्लास में हमने सीआई के फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे, आज उसी के क्वेश्चंस के साथ फॉर्मूलाज का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस वर्क ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द अमाउंट दैट नेहा वुड रिसीव, फाइंड द अमाउंट दैट नेहा वुड रिसीव इफ शी इन्वेस्ट रुपीज 4096, इफ इन्वेस्ट रुपीज 4096 फॉर 18 मंथ्स एट 12.5%। फॉर 18 मंथ्स मीन्स 1.5 ईयर हो गया ना, एट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि जो टाइम पीरियड है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द रेट इज डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला था फॉर हाफ ईयरली, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर हाफ ईयरली, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 200 होल रेस टू द पावर 2n, ये हमारा फॉर्मूला था, करेक्ट। अब प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो कितना मेंशन किया है उसने, 4096 रुपीस। रेट आपको मेंशन किया है 12.5, आप इसको अपॉन 2 करोगे, रेट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड द टाइम पीरियड टी इज 3/2, 1.5 ईयर, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। इसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअली, जो हाफ ईयरली का मतलब है दैट मींस कि जो 1.5 ईयर है आपका उसके अंदर 6 मंथ्स के कितने कन्वर्जन पीरियड्स आ सकते हैं। 18 मंथ्स है तो 6 मंथ्स के 3 कन्वर्जन पीरियड्स आपके पास आएंगे, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, 1 प्लस आर इज 12.5 अपॉन 200, 3 हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 8s are 0, 25 5s are 5, 1s are 6, दिस इज 4096, 17 अपॉन 16 का होल क्यूब, ठीक। ये पूरा बैलेंस हो जाएगा 4096 से, 16 का क्यूब इज 4096 एंड दिस इज 4913 रुपीस, जो आपके अमाउंट शी वुड रिसीव आफ्टर 18 मंथ्स विद 12.5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 कंपाउंडेड एनुअली विल अमाउंट टू, कंपाउंडेड एनुअली एनुअली अमाउंट टू रुपीज 1331 एट 10%। ये क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिया कि 1000 रुपीज को
1000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, उसकी अमाउंट 1331 हो रही है विद रेट 10% कितने इयर्स के अंदर? एनुअली है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, पी 1 + R/100 raised to the power n, अमाउंट इज 1331, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 रुपीज, रेट इज 10% upon 100, होल पार एन जो हमें इवैल्यूएट करना है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, ये 1000 को इसके नीचे लेकर आ रहे हैं, दिस इज 11/10 रेज टू द पार एन। इधर अगर आप देखोगे तो दिस इज 11 की पार 3 और नीचे है हमारा 10 की पार 3, ये दैट इज 11 upon 10 की पार 3, तो दैट मीन्स 11 upon 10 की पार n। नाउ बेसिस आर सेम, सेम बेसिस, देयरफॉर पार्स को इक्वेट कर दोगे, कितना टाइम पीरियड आएगा? 3 इयर्स। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट will a sum of money becomes, will a sum of money becomes 16 times in 4 years compounded annually। अभी क्या है आपके पास, पिछले क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना था कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा, टी को इवैल्यूएट करना था, कन्वर्जन पीरियड को, एन को। अभी हमारे पास एन की वैल्यू है, हमें क्या इवैल्यूएट करना है कि कितने रेट पर एक मनी अपने इनिशियल अमाउंट की 16 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर वो पहले पी था प्रिंसिपल, तो अमाउंट विल बी 16p फॉर व्हाट परसेंट इन 4 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली। लेट प्रिंसिपल बी पी, ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी 16p। नाउ एनुअली है और हमें मेंशन क्या कर रखा है, रेट हमें नहीं मालूम है, टाइम पीरियड जो है जिसको हम एन भी लिखते हैं, 4 इयर्स दे रखा है। एनुअली है तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज यूज करेंगे आप इसको। P 1 plus, हर क्वेश्चन के अंदर मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रही हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपको कि कहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे बस क्वेश्चन करते हुए कि एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली, उस अकॉर्डिंगली आपके फॉर्मूलाज चेंज होते जाएंगे। N is 4 years, ये P से P बैलेंस हो गया देखो आपका। अब दिस इज 2 की पावर 4, आपको क्या करना है, देखो नॉर्मली अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इसको 2 की पावर 4 लिखा, आप क्या कर सकते थे कि ये पार इधर 4 थी, तो इंडिसेस की रूल्स के अकॉर्डिंग जब इधर जाएगी ये पार, दिस विल गिव यू 16 की पावर 1/4, दैट इज वन एंड सेम थिंग। आप ऐसे कर लो, देन इट विल बिकम 2 की पावर 4 होल पावर 1/4, ठीक है, तभी भी आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है जो यहां से मिल रहा है। इधर यू कैन डू इन दिस वे और लाइक दैट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पार्स को बैलेंस कर दिया हमने, 1 इधर आया, implies that R/100 is equal to 1, that means 100% का रेट इंटरेस्ट उसको चाहिए 16 टाइम्स होने के लिए कोई भी मनी को अपने इनिशियल का, करेक्ट। चलिए और एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड
एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 years, डबल्स इटसेल्फ इन 4 years. In how many years? It will be 32 times. It will be 32 times with same compound interest. ऐसा question हमने CI के format में भी किया था. It will be 32 times with same rate of interest. ठीक, जब CI में SI में जब आप इस question को कर रहे थे तब हमने क्या किया था, unitary लगाया था. हमने क्या कहा था, 100 rupees का 200 हो गया, 100 rupees interest है. unitary लगा के आपने इसका answer evaluate कर दिया था. यहाँ पर unitary work नहीं करेगा आपका, तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट की इक्वेशन दोनों फॉर्मेट से बनाओ. पहला पॉइंट क्या दिया है कि एक सम ऑफ मनी है जो डबल हो रहा है अपना. इनिशियली अगर पी था, लेट प्रिंसिपल बी पी, तो अमाउंट कितनी हो रही है उसकी, 2p. कितने साल में, 4 साल में, इन 4 years. एक इक्वेशन फॉर्म कर दो यहां से, अमाउंट इज इक्वल टू पी, थोड़ा सा अलग करके लिख रहे हैं फॉर्मूले को. रेट आपका सेम है दोनों डेटा के लिए, यहां से इक्वेशन बना रहे हैं, 2p इज इक्वल टू पी 1 plus आर अपॉन 100 होल पावर 4. ये पी से पी बैलेंस कर दिया, बस इसको इतना ही छोड़ रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरी बनाएंगे, कितने ईयर्स में 32 टाइम्स हो रही है. पी था, अब अमाउंट कितना हो गया, नाउ अमाउंट इज सेकेंड केस में 32p. तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी आपकी, 32p इज इक्वल टू पी रेस टू द पावर टी, हमें नहीं पता, या एन भी मेंशन कर सकते हो. इक्वेशन नंबर 2, इसको कर दिया मैंने बैलेंस. अब 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 plus r upon 100 रेस टू द पावर 4. इसको हम 2 की पावर 5 रख सकते हैं 32 को. 32 इज 2 into 2 into 2, ये 32, दिस इज 1 plus r upon 100 रेस टू द पावर n. नाउ 2 को ये डाल रही हूं, 1 plus r upon 100 रेस टू द पावर 4, ये पार 4 और ये 5 ऑलरेडी है हमारे पास. अभी देखो, बेसिस सेम है आपके पास, सेम बेस, तो पार्स को इक्वेट कर दो. एन इज 4 into 5, 20 इयर्स में इनिशियल अमाउंट की 32 टाइम्स हो जाएगी वो मनी. ठीक है, चलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जितने फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका बन सकता था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. बट एक जो मिक्स करके हम प्रैक्टिस वर्क डालेंगे उसके अंदर आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे. पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI. आप ये सोचोगे कि CI भी हमने कर लिया है, SI भी कर लिया है, तो डायरेक्टली दोनों का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नॉर्मल रिजल्ट मिल जाएगा. हाँ, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हो. पर इस लेक्चर को अलग से एक्सप्लेन करने का जो मेरा पर्पस है आपके लिए वो ये कि हमारे पास दो शॉर्टकट्स आएंगे जब हम ये बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप अगर किसी भी अमाउंट के लिए 2 years का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं या 3 years के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको हम एक शॉर्टकट यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वेदर डूइंग कि पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, देन वी सब्ट्रैक्ट बोथ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. करेक्ट, चलिए, तो दोनों मेथड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे.
देन यू विल फाइंड द डिफरेंस कि क्या मेजर डिफरेंस आएगा दोनों चीजों के अंदर. तो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई फॉर्मूलाज अभी नहीं है. स्टेटली स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन लेकर दोनों के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करके फिर शॉर्टकट से यूज करेंगे. ठीक है, देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई, इफ द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई इज रुपीज 72 फॉर टू ईयर्स एट 12%. फॉर टू ईयर्स एट 12% पर एनम. बस कैलकुलेट उसने एनुअली ही किया है तो हमें भी कोई चेंज नहीं करना है इसको. करेक्ट, चलो आ जाओ पहले देख लेते हैं प्रॉपर मेथड से इसको. उसने हमें डिफरेंस क्या दिया है, सी आई माइनस एस आई का कितना, 72. अच्छा ये देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है. वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट. फाइंड अमाउंट, अमाउंट मीन्स जो प्रिंसिपल वैल्यू जिसके ऊपर लगा हुआ था ये सी आई और एस आई वर्क कर रहा था. करेक्ट, चलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं. सी आई का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन माइनस 1. यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं पी 1 प्लस, रेट है हमारे पास 12%, एन है कितना ईयर्स, 2 ईयर्स माइनस 1. ये वैल्यू मिल गया मुझे, 6 50 3 25 28 अपॉन 25 का होल स्क्वायर माइनस 1. दैट इज अगर हम एक कैलकुलेशन डालें तो 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर. इसको एलसीएम ले जाके मैं इधर ले आई हूँ. ठीक है, ये वैल्यू मिल गया मुझे. दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी वेदर डूइंग की सारे स्क्वायर्स खोल रहे हो. आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, नो इश्यूज. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो गई 28 प्लस 25 एंड 28 माइनस 25 अपॉन 625. ये पूरा वैल्यू मिल गया मुझे और ये आ रहा है मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज पी 3 × 53/625 means 159/625 पी. ये मुझे मिला कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक, अब हम इवैल्यूएट कर देते हैं इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे दैट इज ओनली पी आर टी अपॉन 100. तो आप फॉर्मूले में पी हमें मालूम नहीं है, 12 × 100 सॉल्व कर दो, 2 6 3 25 6 पी अपॉन 25. ये मुझे मिल गया एस आई. ठीक, आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस सी आई माइनस एस आई कितना मेंशन किया है, 72 वो रख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं हम साथ साथ. एस आई माइनस सी आई मेंशन किया है, सॉरी सी आई माइनस एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट ना. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 159/625 पी माइनस 6 पी अपॉन 25. दिस इज 72. एलसीएम हो गया हमारे पास 625 159 पी माइनस 150 पी 72. 9 पी 625 72. 9 8s are it will give you p is equal to I think 5000. ये आ गया आपका आंसर. ठीक, अब आपने देख लिया कितनी वर्किंग थी, कितना टाइम लगा. नाउ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका शॉर्टकट क्या है, कि लेकिन ये शॉर्टकट आप सिर्फ कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है ओनली फॉर टू इयर्स
एंड वेदर फॉर थ्री इयर्स, दोनों के लिए सेपरेट फॉर्मूलाज हैं। चलिए देख लेते हैं जरा शॉर्टकट से भी इसी क्वेश्चन को एक बार, शॉर्टकट डाल रहे हैं इसको। अब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सम फॉर टू इयर्स, फॉर टू इयर्स इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। चलो अब वेरीफाई कराओ अपना आंसर इससे। आपको कितना डिफरेंस मेंशन किया है, 72 रुपीज। पी आर हमें इवैल्यूएट कर नहीं, आर हमारे पास है, दिस इज 12 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 72 इज इक्वल टू पी 12 इंटू 12 अपॉन 100, 12 सिक्सा, ठीक है। और ये 100 इंटू 100 हो गया ना नीचे, 6 टूजा 2, 5 जा 0, पी इज इक्वल टू 5000। ये देखो हार्डली दो लाइंस के अंदर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, वेदर डूइंग इट इन टू पेजेस, करेक्ट। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के लिए, टू इयर्स वाले कंसेप्ट के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा और क्लियर रहे। चलिए पहले थ्री इयर्स का शॉर्टकट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डाल देंगे शॉर्टकट। डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सम पी एट आर परसेंट, तो डिफरेंस इज इक्वल टू जो आपका रहेगा इसके लिए पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम और क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए उनको देखने के लिए। आ जाइए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स ऑन अ सम ऑफ पी एट आर परसेंट फॉर थ्री इयर्स स्पेसिफिकली, करेक्ट। इसको ध्यान में रखेंगे जब थ्री इयर्स के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तब ये फॉर्मूला, एंड व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस फॉर टू इयर्स देन वी यूज द प्रीवियस फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन सॉरी पी आर अपॉन 100 की होल पावर 2। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर टू इयर्स फॉर टू इयर्स एट 4% इज रुपीज 1। फाइंड द सम। चलो आ जाते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारा, डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 की होल पावर 2, डिफरेंस कितना है 1 रुपीज रखो, इज इक्वल टू पी हमें फाइंड आउट करना है, रेट कितना है हमारे पास 4%, 4 अपॉन 100, टाइम पीरियड है कितना, टाइम पीरियड तो हमें फॉर्मूला के अंदर यूज ही नहीं करना, वो तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या ये फॉर्मूला यूज करना है, करेक्ट। P इंटू 4, 100, 100, 625, वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिफरेंस का ही, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई on a sum 6000 for 2 years, 6000 for 2 years at 7%
एट 7%। बस इतना क्वेश्चन है आपके पास, अगेन 2 ईयर्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 होल पावर 2। डिफरेंस आपके बार फाइंड आउट करना है आपको, पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास डिफरेंस था, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था। अभी प्रिंसिपल है 6000 इनटू रेट इज 7, ये ओके 49 × 6 = 10। इतना आपका डिफरेंस आएगा CI और SI के बीच में। ठीक, चलिए होपफुली ये शॉर्टकट्स आपको हेल्प करेंगे टू सेव योर टाइम एंड योर एग्जामिनेशंस। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर शॉर्टकट्स फॉर मैजिकल मैथ्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, एक ही रेट के बारे में हमें पता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, जो CI में भी आप यूज कर रहे थे और SI में भी यूज कर रहे थे। CI SI बोथ में हमने एक इंटरेस्ट यूज किया, आर जिसको आपने I से भी डिनोट किया, R से भी डिनोट किया। अभी जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसको बोलोगे आप, और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलोगे। ठीक, देखो पहले ये कंसेप्ट एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएंगे। इफेक्टिव रेट की अगर बात कर रहे हैं और नॉमिनल रेट की, तो जब आप ये बोल रहे हो कि एक इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंडेड एनुअली है, जो वंस अ ईयर वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आप जिसको बोलते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और कंपाउंडेड एनुअली और वंस अ ईयर, एनुअली भी बोल सकते हो और वंस अ ईयर। ठीक, अब जब इफेक्टिव रेट की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप ये कह रहे हो कि व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मोर देन वंस अ ईयर, कंपाउंड रेट के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े कि हाफ ईयरली भी वर्क कर सकता है, क्वार्टरली भी वर्क कर सकता है, मंथली एंड डेली भी वर्क कर सकता है, तो वो जो सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएंगे, मतलब जब आप ये कह रहे हैं कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है या क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, दैट मीन्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मोर देन वंस अ ईयर, देन जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्क करता है आपका, जो एक्चुअल कैलकुलेटेड रेट आएगा, दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मोर देन वंस अ ईयर, दैट इज सेमी एनुअली, मतलब ट्वाइस वर्क करेगा ना, क्वार्टरली 4 times हो गया, देन द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल, जो इसके लिए आप यूज करोगे, डिनोटेड बाय कैपिटली, डिनोटेड बाय E इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, अब आएंगे कि फॉर्मूला क्या है और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो E इज इक्वल टू 1 + I
होल रेज टू द पावर एन माइनस वन. ये एक फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला वन, वेयर ई इज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स, ये डेसिमल्स में आएगा. अगर आपको इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, यहां पर लिख भी देते हैं इसको, टू कैलकुलेट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100. करेक्ट. आई क्या है आपका, जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये भी डेसिमल्स में ही, इन डेसिमल्स. फॉर एग्जांपल आपको कह रहे हैं कि 6% है, देन इट इज टेकन 0.06. करेक्ट. और व्हाट इज एन, एन इज अगेन कन्वर्जन पीरियड. अगर क्वार्टरली वर्क कर रहा है तो जितना टाइम पीरियड दिया है दैट टाइम पीरियड इज मल्टीप्लाइड बाय 4. आप बोल रहे हो कि सेमी एनुअली वर्क कर रहा है, तो अगर सपोज करो टाइम पीरियड 2 years दिया है, तो सेमी एनुअली के लिए हम टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कन्वर्जन पीरियड विल बी कन्वर्टेड बाय 2. कन्वर्जन पीरियड और टाइम पीरियड भी बोलते हो इसको, लिखते कन्वर्जन पीरियड ही है. ठीक, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका. और एक और फॉर्मूला आएगा आपके पास अफेक्ट. पहले इस फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो देन वी गो टू द अदर फॉर्मूला. फाइंड द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट equivalent to a nominal rate of nominal rate of 10% compounded half yearly. For 1 year, ये आपको मेंशन किया है. ठीक है, चलो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे. ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, e इज इक्वल टू 1 plus i whole power n minus 1. i हमें कितना मेंशन किया है, 10%. 10% मीन्स 10/100 हो गया, दिस इज 0.1. और अब आप क्या देख रहे हो, एक और चीज देख रहे हो कि ये जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली कैलकुलेट है, तो हाफ ईयरली का हमारे पास क्या रूल है, जो रेट है आपका दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो उसको 10% ना लेके हम 5% के साथ कैलकुलेट करेंगे. करेक्ट. ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो रूल्स हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वर्क कर रहे थे, रेट इज अगर हाफ ईयरली है तो आप रेट को 2 से डिवाइड कर रहे थे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई. सिमिलरली जब क्वार्टरली की बात कर रहे थे तो 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई. सेम रूल्स आर प्रोसीडेड है. तो I इज 10/2% मींस 5%, तो दिस इज 5/100. 0.05 I की वैल्यू यहां पर मुझे मिली 0.05. होल पार n, n 1 ईयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन. नाउ दिस इज ये हमारा हो गया अब 1.05 होल रेज टू द पावर 2 माइनस वन. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. इसको सॉल्व करके जो हमारा आ रहा है दैट इज 0.1025. ये जो अफेक्टिव रेट आपका आया है ये डेसिमल्स में है, क्योंकि हमने आई को डेसिमल्स में लिया था. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से. ये आपका आंसर रहेगा अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. अब एक चीज़ क्या देख रहे हो आप कि देखो अफेक्ट जो नॉमिनल रेट था हमारा वो कितना था,
10% और इफेक्टिव रेट आया 10.25। तो एक जो पॉइंट यहाँ से निकल रहा है, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये एक रूल भी है कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन then the nominal rate of interest. चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं और उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखेंगे. आ जाइए नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है अफेक्टिव रेट का ही. सेकेंड जो फॉर्मूला है फॉर्मूला टू, आई इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू टी, जहां पर आई आपका क्या है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितनी इंटरेस्ट की वैल्यू है, जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. पी इज प्रिंसिपल, E अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड T इज टाइम पीरियड. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के साथ इसको भी क्लियर करते हैं थोड़ा सा. Find the compound interest. Find the compound interest and the effective rate of interest on rupees and the effective rate of interest of interest on rupees 10,000 for 1 year at 8%, for 1 year at 8% compounded semi-annually. पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट. चलो ये तो पुराने फॉर्मूला से ही है हमारा. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी वन प्लस आई होल रेस टू द पावर एन माइनस वन. ये वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड करते हो ना आप, ये यूज करते हैं. ठीक है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास ये 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8%, लेकिन सेमी एनुअली है तो रेट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड टाइम पीरियड 1 ईयर, सेमी एनुअली के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, 10,000 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर माइनस 1. इसको हम 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 25 16. नाउ जो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर आएगा, यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला था वो था आई इज इक्वल टू पी ई और टी. ठीक, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमारा 16 इंटू 26 प्लस 25 और 26 माइनस 25 51. दिस इज 816. ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको किससे डिनोट कर रहे हो आप, आई से.
डिनोटेड बाय आई. नाउ वो फॉर्मूला यूज करोगे टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. 816 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितना है आपके पास 10,000. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. टाइम पीरियड इज अगेन कितना टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है हमें 1 ईयर. E इज इक्वल टू 816 अपॉन 10,000. दिस इज 0.0816. ठीक है. अब इसको अगर परसेंटेज में आपको लेना है ये ई जो है आपका इन डेसिमल्स ही कैलकुलेट होकर आएगा अपने आप. तो अगर परसेंटेज में इसको ले रहे हो तो दिस इज 8.16%. और ये भी देखो नॉमिनल रेट जो हमारा 8% था उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है. ठीक. चलिए ये आपका जो कंसेप्ट है नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का होपफुली क्लियर हो गया होगा. प्रैक्टिस वर्क के अंदर इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे. तब तक आप एक बार इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए. कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड. आज पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है आपका वो सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है. तो ये CISI के पार्ट के अंदर ही आपका आता है टॉपिक ना, पॉपुलेशन ग्रोथ. देखो एक वर्ड आ रहा है ना, ग्रोथ. व्हाट डज इट मीन? आप कह रहे हो कि ग्रोथ है. ग्रोथ किसको बोलते हो? जो रिलेटिव इंक्रीज है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. ठीक. द रिलेटिव इंक्रीज इन अ क्वांटिटी is called growth. ठीक. अब रेट ऑफ ग्रोथ क्या आएगा? अब आप ये कह रहे हो कि द ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के साथ जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ. द ग्रोथ पर यूनिट टाइम is called rate of growth. अब इसके formulas देख लेते हैं क्या क्या है. एक formula तो जो है बिल्कुल similar है जो हमने amount का formula किया CI में. अगर आप ये बोल रहे हो एक town की initial population P से denote कर रहा है और एक constant increment R percent per year हो रहा है, तो आफ्टर एन ईयर उसका जो पॉपुलेशन है वो वही फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है. करेक्ट. देखिए, इफ द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी पी एंड द कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट per year is R percent, then its population after N years will be is equal to P 1 plus R upon 100 whole raised to the power N. वही जो आप amount का formula calculate कर रहे थे, same formula रहेगा. अब जो second concept हमारे पास आएगा उसके अंदर क्या change हो सकता है? Maybe कि एक year population R percent से increase हुई, दूसरे year R1 से हुई, तीसरे year R2 से हुई. या ऐसा भी हो सकता है कि एक ईयर इंक्रीज हो रही है उसके बाद नेक्स्ट ईयर में डिक्रीमेंट आ रहा है. तो जब डिक्रीमेंट आ रहा है तो ये साइन जो है सिर्फ माइनस से चेंज हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूलास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. देखिए वो सब
एक बार फॉर्मूलाज में डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ. इफ द इनिशियल पॉपुलेशन, सेकंड फॉर्मूला में डाल रहे हैं इसको. इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज P and rate of growth for first year is R1, for second year is R2, and for third year is R3. Then the population after 3 years is P 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा. ठीक, अब इसी के अंदर इन केस मैं ये बोल देती हूँ आपको कि सेकंड ईयर में ग्रोथ ना होके डिक्रीमेंट हुई है, तो ये साइन जो आपका प्लस का है बस वो माइनस का साइन हो जाता, दैट्स इट. बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता पूरे फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे डिपेंड करेगा प्लस और माइनस का साइन. इनकेस आप अब एक एन ईयर्स कोई ले रहे हो कि एक कॉन्स्टेंट डिक्रीमेंट आ रही है किसी टाउन की पॉपुलेशन के अंदर आर वन परसेंट की, तो आफ्टर एन ईयर्स उसका जो पॉपुलेशन है दैट विल बी डिनोटेड बाय, फॉर्मूला उससे ही डाल देते हैं इसको भी हम. इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज एन, देन क्वेश्चन से ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएंगे. इफ इनिशियल पॉपुलेशन बी पी एंड constant decrement rate, decrement in population, population is R1 percent, then population after n years is P 1 माइनस, क्योंकि डिक्रीमेंट है पॉपुलेशन के अंदर, वन माइनस आर वन अपॉन हंड्रेड रेस टू द पावर एन, दैट्स इट. चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार थोड़े से इसके. द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000. द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000. If it increases at 5%, if it increases at 5%, then what will be the population? ये per annum mention किया है. What will be the population after 3 years? ये कांस्टेंट ग्रोथ दिया है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, 5% पर एनम, हर बार 5% से इंक्रीज हो रहा है. तो जो बिल्कुल फर्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला था जो हम अमाउंट के लिए यूज करते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल टू पी, पी है आपका 8,000, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू द पावर एन, एन आपके पास 3 है ना, ये हो गया 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेस टू द पावर 3, 8,000, 21 बैलेंस हो गया, और 21 का क्यूब जो है हमारे पास दैट इज 9261. तो आफ्टर 3 इयर्स जो पॉपुलेशन आएगी वो आपकी
9 to 6 1 हो जाएगी, एक कांस्टेंट ग्रोथ था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ और बर्थ रेट के बारे में बात किया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000, द पॉपुलेशन इज 20,000, इतनी मेंशन की आपको। एनुअल बर्थ रेट 4% है, एनुअल बर्थ रेट इज 4%, एंड एनुअल डेथ रेट 2% है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, कैलकुलेट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। चलो अभी क्या कह रहे हैं, देखो बर्थ रेट मेंशन किया है, डेथ रेट मेंशन किया है, तो जो ओवरऑल रेट है आपका वो कितना आएगा? ओवरऑल रेट इज 4% तो बर्थ रेट है, 2% डेथ रेट है, तो वो डेथ रेट मींस जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय -2, तो 2% का ओवरऑल इंक्रीमेंट रेट आ गया जो बर्थ रेट के हिसाब से आ रहा है आपका। आप ये भी अगर ये सपोज करो ये 4% होता है, ये 6% होता, तो दैट इज डिनोटेड बाय 4 - 6 - 2, तो जो आर की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते उसको माइनस आर से डिनोट कर देते, उस केस में पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीमेंट की ओर चली जाती। ठीक है, चलिए अब डाल रहे हैं फॉर्मूला के अंदर, अब वही जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया, सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा। 20,000 वन प्लस रेट हो गया आपका 2% अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 ईयर्स के लिए पूछ रहा है। 51 upon 50 whole 2, it will be 20808. ये आपका population आ जाएगा total After 2 years, ठीक। एक क्वेश्चन और देखेंगे जहां पे दोनों चीजें मर्ज करी हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक बार डिक्रीमेंट गया, एक बार इंक्रीमेंट, देन अगेन अ डिक्रीमेंट देयर। आई क्या कह रहे, द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ जंगल, the number of animals in a jungle is 500, its population increased by 10% in first year, is question ko na as it is dal dena hai, matlab लिखा हुआ पूरा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही बीच में ना, बाद में ही एक्सप्लेन करूंगी कि क्वेश्चन क्या, एक बार रीड करके साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ये बड़ा है क्वेश्चन ना, थोड़ा लिखने में फालतू टाइम दिमाग होएगा ना, बस लास्ट ही है ये। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक जंगल के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो 500 है, उनकी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में, मतलब R1 जो है आपका दैट इज 10%, और 5% इंक्रीज हो रही है सेकेंड ईयर में भी, तो R2 कितना हुआ हमारा 5%, और जो इनिशियल पॉपुलेशन मेंशन किया है आपको कितना है दैट इज 500। अब उसके बाद उसने क्या बोले कि थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन है वो 20% डिक्रीज हो गया, मतलब R3 जो है आपका वो -20 हो गया, तो 3 ईयर्स के बाद जो टोटल पॉपुलेशन आएगी जंगल की वो कितनी आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है।
पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स. इज पहले इनिशियल वही फॉर्मूला है आपका पी वन प्लस आर वन अपॉन हंड्रेड आर टू अपॉन हंड्रेड प्लस आर थ्री अपॉन हंड्रेड और आर थ्री आपका माइनस है. हम अब डायरेक्ट वैल्यूज रख रहे हैं. पी इज 500 वन प्लस 10 अपॉन हंड्रेड वन प्लस 5 अपॉन हंड्रेड एंड वन माइनस 20 अपॉन हंड्रेड. ठीक है चलिए 500 वन जा 10 जा 11 अपॉन 10 इंटू वन जा 21 अपॉन 10 4 अपॉन 5 44 इंटू 21 924 आई थिंक देर इज अ मिस्टेक हेयर. दिस इज 20 ये 20 है आपका. ठीक है यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन को ठीक करते हैं. 5 एंड दिस इज 500. ठीक ये बैलेंस हो गया. 5 से आपका 5 टू सा दिस इज 462 जो है आपका वो पॉपुलेशन आएगा आफ्टर 3 ईयर्स जब एक बार दो बार इंक्रीमेंट और एक बार डिक्रीमेंट है. करेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आपका इतना ही कंसेप्ट है. इसको एक बार आप लोग रीड कर लें अच्छे से. कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम वापस डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. टेक केयर बाय बाय. हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब. आज हम एनईटी का कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं आपके साथ. एनईटी का कंसेप्ट शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं. देखिए ये तो पता होना मस्ट है कि व्हाट इज़ एन्युटी. एन्युटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एन्युटी इज़ अ सेट ऑफ रेगुलर पेमेंट. आप बोल रहे हो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप पे कर रहे हो. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन्युटी. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि होम लोन्स हैं एजुकेशन लोन्स हैं होम लोन्स एजुकेशन लोन्स. करेक्ट. और पॉलिसीज हो गई जितनी आपकी LIC हो गए जितने भी पॉलिसीज हैं वो सब जो है एग्जाम्पल्स ऑफ एनिटी जहाँ पे एक फिक्स्ड सेट ऑफ अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको पे करना होता है. तो एनिटी के लिए अगर एक शॉर्ट डेफिनेशन हम यूज करेंगे इट इज अ सेट ऑफ रेगुलर पेमेंट्स made at a specific interval of time. ठीक this is called a form of annuity. जब आप क्या कह रहे हो और examples क्या हो गए ये format. और अगर एक बहुत generalized form में आप example ले रहे हो आप ये कह रहे हो कि कोई person है उसने एक लोन लिया किसी से और सपोज करो 10 लाख रुपीस का लोन लिया एक पर्सन ने. ठीक और उसको इस लोन को 1 लाख रुपीस की इंस्टॉलमेंट के साथ 12 ईयर्स में पे करना है. तो ये जो आपकी वैल्यू है दिस वैल्यू इज अ फॉर्म ऑफ रेगुलर पेमेंट ऑफ एन्युटी. करेक्ट ये रेगुलर पेमेंट है एन्युटी का. और अब इसके अंदर जो एक कंसेप्ट और आपके पास निकल कर आएगा एक फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट. ठीक उसको क्लैरिफाई करने से पहले ये क्लियर हो गया हमें कि अगर एक लोन अमाउंट है आपने किसी से एक लोन लिया और उसको एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पे करना है तो दैट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज अ फॉर्म ऑफ एन्युटी. करेक्ट. अब जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं देखो प्रेजेंट वैल्यू
इसको आप क्या बोल रहे हो, दिस इज द टूडेज वैल्यू ऑफ टुमोरोज मनी. आप अगर ये बोल रहे हो कि आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 7% के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, ठीक है, 100 रुपीज इन्वेस्टेड एट 7% फॉर 1 ईयर ही कह रहे हैं, चलो हम फॉर 1 ईयर, तो जो 100 रुपीज हैं आपके वो 7% के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 1 ईयर के बाद, 107, क्योंकि इंटरेस्ट कितना हो गया आपका इस पे 7% के अकॉर्डिंग 7 रुपीज ना, तो ये 100 + 7 = 107. दिस वैल्यू इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ये 100 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किया. जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो काम ऑलरेडी हो गया, जो लोन आपने ले लिया, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. और जो अमाउंट आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज आर फ्यूचर वैल्यू. ठीक, तो एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए, इट इज द टुडेज वैल्यू ऑफ टुमोरोज मनी. जो कल की आपकी अमाउंट है उसकी आज जो वैल्यू है, इट इज द टुडेज वैल्यू ऑफ टुमोरोज मनी. ठीक, आपने कहा 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, वापस एक बार यही क्लियर कर रही हूं कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर चुके हैं दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. जो ऑलरेडी, अगर आप ये बोल रहे हो कि एक लोन हमने ले लिया, जो काम हो गया, वो प्रेजेंट वैल्यू है. अभी उस लोन को 1 lakh rupees की इंस्टॉलमेंट में पे करना है, वो 1 lakh rupee इज एन्युटी, और उतना 12 इयर्स तक पे करके जो फाइनल अमाउंट है दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू. करेक्ट. अभी अगर आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं, आप ये बोल रहे हो कि एक पर्सन है और वो 50,000 rupees जो है पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक, रुपीज इतना, कोई भी पर्सन है, से मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 50,000 पर ईयर एट कोई भी रेट हो गया 6%. ठीक, और ही विल रिसीव रुपीज 2,50,000 आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से 10 इयर्स, यूजुअली एक एग्जांपल ले रहे हैं. तो जो अमाउंट उसको फ्यूचर में रिसीव हो रही है, ये ही विल रिसीव, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, एन्युटी के क्वेश्चन को करने से पहले आपको फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू या क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है उस डेटा से ये आइडेंटिफाई करना मस्ट है कि एन्युटी की वैल्यू कौन सी है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है, कौन सी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू डिनोट हो रही है. ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ इसको क्लियर करेंगे थोड़ा सा. संजय इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन अ 3 ईयर इन्वेस्टमेंट that pays him 5% per annum. Calculate the future value of his investment. Calculate the future value of his investment. अब पहले आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूला के ऊपर. देखो, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर वैल्यू का आपका वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू. अगर बोल रहे हैं F और A से आप डिनोट करते हो,
पी वन प्लस आई रेस टू द पावर एन, वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा था। एनएटी में ये फॉर्मूलाज चेंज होंगे आपके, ठीक, पर हम पहले फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो इसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। फ्यूचर वैल्यू डिनोट करते हो आप डिनोटेड बाय एफ और ए, ये, और यहां पर ये जो पी है आपका, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर डिनोट करोगे, दैट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी, दिस इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी, जो फ्यूचर में आपको मिलेगा। अभी एक एग्जांपल देखा हमने, आप कह रहे थे 50,000 एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में उसको 2,50,000 ढाई लाख रुपए मिल रहे हैं, जो अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होगी दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। ठीक, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आई रेस टू द पावर एन, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए, पी है हमारे पास 8,000, वन प्लस रेट मेंशन किया है ये, और टाइम पीरियड हमें दिया है 3 इयर्स। एट थाउजेंड 21/20 का क्यूब, 21/20 ये पूरा बैलेंस हो जाए, एंड दिस इज 9,261। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू हुई 8,000 रुपीज की, जो 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट है 5% पर एनम की अकॉर्डिंगली, करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। Find the present value of rupees 40,000 due 50 years hence, due 15 years hence, if the interest rate is 6%. If the interest rate is 6% compounded half yearly work कर रहा है, ठीक, बताना है क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू। ये जो वैल्यू आपको मेंशन किया है, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए पी वन प्लस आई होल रेस टू द पावर एन, दिस इज 40,000 इज इक्वल टू पी, आपको इवैल्यूएट करना है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जो आई की वैल्यू है 6% दैट इज रिड्यूस्ड टू 3%, और जो टाइम पीरियड है आपका दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल बिकम 30 इयर्स, मतलब 30 कन्वर्जन पीरियड्स। टाइम पीरियड 15 इयर्स ही रहता है, लेकिन 15 इयर्स के अंदर 6 मंथ्स का जो कन्वर्जन है वो इट विल टेक 30 टाइम्स, 3/100 रेज टू द पावर 30, 40,000 1.03 होल रेज टू द पावर 30, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन की हुई है। It will give you P is equal to 40,000 upon this will give you 16519.62, ये आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू रहा होगा, जिसको इन्वेस्ट किया है 15 इयर्स के लिए, तो वो वैल्यू आपको 40,000 रुपीस का फ्यूचर वैल्यू दे रहा है, करेक्ट। चलिए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कंसेप्ट को इतना रख के नेक्स्ट क्लास में एनुटी में वापस प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज का कंसेप्ट दोबारा से यूज होगा हमारा। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट्स आ रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ।
आज एनिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर रही हूँ. एनिटी जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ मैंने, तो आपको ये बताया था कि एनिटी जो है इज अ सेट ऑफ रेगुलर पेमेंट. ठीक, एक वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ रेगुलर पेमेंट्स और मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, दो तरह का आपके पास वर्किंग फॉर्मेट आएगा एनुटी का अगर हम बात करेंगे. देखिए, फर्स्ट वन इज रेगुलर और ऑर्डिनरी एनुटी. ठीक, एंड सेकेंड वन इज इमीडिएट एनुटी और एनुटी ड्यू. अब जब क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा तो आपको मेंशन नहीं होता है. कई बार मेंशन भी होता है क्वेश्चन के कि ऑर्डिनरी एनुटी है, उसको इवैल्यूएट करिए, उसकी फ्यूचर वैल्यू इवैल्यूएट करो या प्रेजेंट वैल्यू इवैल्यूएट करिए. ठीक है, अगर मेंशन नहीं है, नॉर्मली मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चंस को? जब आप ये कह रहे हो कि जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट आपका जा रहा है वो एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड जा रहा है. ठीक, मतलब आप ये सपोज करो कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया. ठीक, कई बार क्या होता है कि ट्यूशन टीचर्स हो गए या जो भी टीचर्स हैं आपके, वो बोलते हैं कि पहले पेमेंट दे दो, दो दिन पढ़ लिया, तीन दिन पढ़ लिया, डेमो ले लिया, देन गिव द अमाउंट. तो वो जो इनिशियल पीरियड में, जो बिगिनिंग में पेमेंट जाता है, दैट मीन्स जो एडवांस पेमेंट जा रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिटी ड्यू और इमीडिएट एनिटी. इमीडिएट मतलब जल्दी जल्दी दे दो, ठीक, ड्यू में नहीं डालना है कोई भी अमाउंट. तो इसमें जो पेमेंट आएगा आपका, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया आपको, इससे थोड़ा सा क्लैरिफाई रहेगी आपको चीजें ना. पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग बस. ठीक, और जब आप कह रहे हैं कि रेगुलर ऑर्डिनरी एनुटी है, तो यहां पर उल्टा हो जाता है. पेमेंट इज मेड एट द एंड. ये दो चीजें आपका क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर देंगी. ठीक, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है आपको कि कब दे रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी. वहां पे ऑटोमेटिक एक ऑर्डिनरी एनुटी का एग्जांपल हो जाता है. ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोनों के फ्यूचर वैल्यू के जो अमाउंट है उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम. आइए, आप जो फॉर्मूला हम डिनोट कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू के लिए, ए से डाल रहे हैं. कुछ जो कई जगह पे जो मैं आर टर्म यूज करूंगी, यहाँ पर आर के जगह पे पी भी यूज किया हुआ है. आर हम इसीलिए यूज कर देते हैं कि एक सेट ऑफ रेगुलर पेमेंट जो है, जो एनुटी का अमाउंट है जो आप हर बार पे कर रहे हैं, उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं. आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर पेमेंट्स. ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का. ठीक है, अगर आप बात करोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ, इसके अंदर जो आर है, इनिशियल्स को भी एक बार बता देते हैं. आर इज रेगुलर पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स जो हो गए आपके. ठीक, आई रेट इन डेसिमल्स, एन कन्वर्जन पीरियड. अब फ्यूचर वैल्यू आ रहे हैं जो सेकेंड वाली एनिटी है हमारी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू और इमीडिएट और इमीडिएट एनिटी. उसके बाद इन दोनों को, दोनों फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस की हेल्प से थोड़ा सा देखेंगे एक बार कि क्वेश्चंस में इनको कैसे यूज करना है आपको. उसके लिए बिल्कुल भी आप जो सेकेंड वाली एनुटी है हमारी, इमीडिएट और ड्यू एनुटी, उसके लिए कोई भी नया फॉर्मूला नहीं लर्न करना है हमें.
हमें सिर्फ क्या करना है, जो ऑर्डिनरी एनुटी की फ्यूचर वैल्यू है उसी को वन प्लस आई से, वन प्लस जो इंटरेस्ट रेट है डेसिमल्स में, उससे और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो जो रिलेशन दोनों में हो जाएगा वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एनुटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनुटी इंटू वन प्लस आई। ठीक, चलिए अब इसको ना क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार हम थोड़े से, तो उनके साथ जो फॉर्मूलाज हैं हमें वो और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। इफ पेमेंट ऑफ रुपीज 500, इफ पेमेंट ऑफ रुपीज 500 is made annually for 3 years, made annually for 3 years at 6% compounded annually, at 6% compounded annually. अभी इसमें हमें mention नहीं किया, तो ये ordinary annuity का example है आपका। तो ऑर्डिनरी एनुटी का जो फ्यूचर वैल्यू है हमारा, एक बार दोनों के फॉर्मूलाज लिख देते हैं। ये ऑर्डिनरी एनुटी का फ्यूचर वैल्यू इज आर अपॉन आई वन प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस वन, एंड फॉर एनुटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू जो रहेगा हमारा दैट इज यही वाला वैल्यू, सिर्फ वन प्लस आई से और मल्टीप्लाई हो जाएगी यही वैल्यू। ठीक, चलिए अब इसके अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर डाल रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनरी एनिटी है, यहाँ पर एंड में या बिगिनिंग में कुछ भी मेंशन नहीं है हमें। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर जो रेगुलर पेमेंट है आपका 500 अपॉन रेट इज 6%, दैट मीन्स 0.06, वन प्लस 0.06 होल रेज टू द पावर 3 माइनस 1, 50,000 अपॉन 6, 1.06 होल रेज टू द पावर 3 माइनस 1। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशनड है, दिस इज 1.190। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस वन पॉइंट नाइन वन वन नाइन वन जीरो बैलेंस हो गया। इसको जो पूरा हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेट, दैट इज 1591.66। इतना आपका टोटल फ्यूचर वैल्यू आएगा जो 500 रुपीस को 6% के साथ 3 इयर्स के लिए जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद जो अमाउंट आपकी आएगी दैट इज 1591.66। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड रुपीस 10,000 स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एट परसेंट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। ठीक, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें वैल्यू मेंशन की है 1.08
raised to the power 10 is equal to 2.1589 2500. ये वैल्यू मेंशन किया. देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको मेंशन नहीं है डायरेक्टली कहीं भी कि कहाँ पे पेमेंट हो रही है, बाद में हो रही है. लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना, क्या कह रहा है कि एक पर्सन ने जो मनी इन्वेस्ट करना शुरू किया है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब वो आज पे कर रहा है उस मनी को, आज इन्वेस्ट करना शुरू किया. दैट मीन्स बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब एनिटी ड्यू. तो जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारा लगेगा यहां पर वो ये 1+i और साथ में आ जाएगा बस. रेगुलर सेट ऑफ पेमेंट्स कितना है हमारे पास 10,000. और i हो गया 0.08, n है हमारे पास कितने इयर्स का टाइम दिया है 10 इयर्स. एनुअली है तो सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 0.08, 1.08 होल पावर 10 माइनस 1 इंटू 1.08 और आ जाएगा बस. बैलेंस कर दें, 8 1 2 3 1 2 5 0000 और ये वैल्यू आपको दिया है 2.1589 2500 इंटू 1.08 1250 into 108. This is 0.1.1589 2500. इसको सॉल्व करके जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो टोटल अमाउंट है 1564.88875 है एक्चुअली जो अमाउंट है ना. ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में. अगर वो 10,000 रुपीस को इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मींस जो अभी बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है, करेक्ट. चलिए ये फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट आप लोगों का हो गया. अभी हमारे पास एनुइटी के प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट और रिमेनिंग है इस चैप्टर के अंदर. उसको विद एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस मर्ज करके और करेंगे इसी के नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय. हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड. लास्ट क्लास में आपके साथ फ्यूचर वैल्यू डिस्कस किया, उसके अंदर हमने दो एनुइटी ऑर्डिनरी और जिसको आप रेगुलर एन्युटी भी बोलते हो, एक बार रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा सा. और दूसरा एन्युटी था हमारे पास एन्युटी ड्यू और इमीडिएट एन्युटी, ये डिस्कस किए थे दोनों के फ्यूचर वैल्यूज़ के फॉर्मूलाज, करेक्ट. ऑर्डिनरी रेगुलर जो था वहाँ पर आप पेमेंट जो कर रहे थे वो एंड में जा रहा था, और इमीडिएट के अंदर पेमेंट जो हमारी जा रही है वो बिगिनिंग में, ठीक. इनके फ्यूचर वैल्यूज आपके साथ डिस्कस कर लिए थे, अब इनके प्रेजेंट वैल्यूज के दोनों एन्युटीज के फॉर्मूला को आज डिस्कस करके क्वेश्चंस के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू जो थी हमारी वो टुडेज मनी, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, बेसिकली जो वर्ड हमने यूज किया था, दिस इज टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, ठीक. अब ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए इसके फॉर्मूलाज को और ड्यू एन्युटी के लिए दोनों के फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं. ऑर्डिनरी एन्युटी में जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू का, दैट इज आर अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू द पावर माइनस n, ठीक. जहाँ पर r आपका जो एन्युटी का पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट एन्युटी ड्यू के अंदर, नोटेशंस को बाद में एक साथ ही डाल लेंगे. एन्युटी ड्यू के अंदर आपका जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा. देखिए चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ ये जो
इवैल्यूएट आप करेंगे वो एक कम टाइम पीरियड के लिए. सपोज करो 12 इयर्स दिया है तो आप 11 इयर्स के लिए इवैल्यूएट करोगे माइनस एन माइनस वन और एक रेगुलर पेमेंट का जो वैल्यू है, जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट है, जो एन्युटी की वैल्यू है, वो आपकी एड ऑन हो जाएगी इसके साथ. ठीक है, वेयर आर इज एन्युटी और रेगुलर पेमेंट्स. आई रेट इंटरेस्ट जो भी है आपका, दैट इज आर अपॉन 100, डेसिमल्स में आएगा. एन कन्वर्जन पीरियड, ठीक. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. पहले फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनिटी. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनिटी of rupees 3000 for 15 years, 3000 for 15 years at 4.5% compounded annually. करेक्ट. और वैल्यू इसके अंदर हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर 1.045 होल रेस टू द पावर 15 इज इक्वल टू 1.935282. ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ नहीं है. उसने सिर्फ ये मेंशन किया आपको कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है एक एन्युटी का जिसका डेटा आपको मेंशन है ऑलरेडी. क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है आपको कौन सा एन्युटी है, तो ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी एन्युटी कंसीडर करेंगे आप इसको. अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हमारा लोन अमाउंट का केस आता है, तो जो लोन अमाउंट के केस हैं आपके जितने भी, वो सब ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर कंसीडर होते हैं. क्योंकि वहाँ पर जो पेमेंट है आपका वो बाद में जाता है. ठीक है, और अगर कोई आप ये सपोज करो आप बोल रहे हो कि एक सेविंग अकाउंट आपने ओपन करना है, वो सेविंग अकाउंट का जो प्रोसेस है सारा वो एन्युटी ड्यू का केस आता है हमारा. सेविंग अकाउंट्स जो हो गए वो हमारे एन्युटी ड्यू के एग्जांपल्स हुए. क्योंकि अगर आप सेविंग खोलने जा रहे हो, आज अकाउंट खोलोगे तो यू हैव टू डिपॉजिट टुडे, करेक्ट. ये एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल आएगा. ये दो पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे. चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं हमें, प्रेजेंट वैल्यू लेनी है. ऑर्डिनरी एन्युटी कंसीडर कर रहे हैं आप, तो ऑर्डिनरी एन्युटी का जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला, दैट इज आर अपॉन आई वन माइनस वन प्लस आई रेज टू द पावर माइनस एन. वहां पर आपको प्लस का वैल्यू गिवन है तो वो हम अपॉन करके नीचे ले जाएंगे इंडिसीज के रूल्स के साथ. आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये है 3000, ठीक. रेट आपको मेंशन किया है 4.5, उसको आप डेसिमल्स में लोगे 4.5 अपॉन 100, करेक्ट. दिस इज 0.045. अब वैल्यूज रखेंगे 3000 अपॉन 0.045, 1 माइनस 1 प्लस 0.045 होल रेस टू द पावर टाइम पीरियड इज 15. दिस इज 45, 1 माइनस 1 अपॉन 1.045 होल रेस टू द पावर 15. ये पूरा बन गया आपके पास 9 जा 6 जा, अगेन 2 लैक्स अपॉन 3. और अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर 5282, इसको आप इधर लेकर जाएंगे
तो इट विल गिव यू 0.935282 यहाँ से, देन माइनस वन अपॉन 1.935282 इंटू ये पूरी अमाउंट 2 लाख अपॉन 3। और इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 32218.67 रुपीस। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 3000 वाली एन्युटी जो 15 इयर्स के लिए डिपॉजिट हो रहा है विद द रेट 4.5% कंपाउंडेड एनुअली, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। विपुल परचेज अ कार फॉर रुपीज 5,50,000, ही गेट्स अ लोन ऑफ 5 लाख। अगेन देखो क्या मिल गया, एक लोन अमाउंट आ रहा है। तो लोन अमाउंट मैंने आपको कहा कि जो लोन अमाउंट का केस है हमारा वो हमेशा ऑर्डिनरी एनुटी कंसीडर करेगा, ठीक। चलिए अभी कितना रेट मेंशन किया है, 15% पर एनम। उसने क्या किया कि 5 लाख लोन ले लिया 15% पर एनम पे, और बैलेंस 50,000 जो था वो परचेज के टाइम पे ही पे कर दिया। दैट मीन्स उसने कैश डाउन पेमेंट कर दिया 50,000 उसी टाइम। ही हैज टू पे द होल अमाउंट ऑफ लोन इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जो अमाउंट है उसको अब उसको जो कन्वर्जन पीरियड है आपको वो एक्चुअली मेंशन कर दिया कि 12 है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। और ये भी मेंशन कर दिया कि जो पहला पेमेंट है वो एंड में पे करना है आपको, तो एंड में पे करना है तो वो ऑर्डिनरी एनुटी ही कंसीडर होगा, राइट। अभी आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द मनी ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट है आपका, जो एनुटी का वैल्यू है आर, वो आपको इवैल्यूएट करना है। और ये जो 5 लाख आपको दिया है ये वाला वैल्यू इज योर प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। चलिए अब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास है ये, ठीक है। आर इज, पहले ये वैल्यू डाल देते हैं, आर आपको इवैल्यूएट करना है, आई रेट हमें मेंशन किया है 15% पर एनम है, लेकिन आपको जो रेट आर जो लेना है दैट इज 15/100 और इसको डिवाइड करोगे 12 से क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है आपकी, 4 × 5 = 1/80 और दिस इज 0.0125। ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। अब रखते हैं यहाँ पर वैल्यूज 1 plus 0.0125 whole power minus 12। 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पॉइंट और इधर हो गया मेरे पास 4 zeros और ये 4 zeros बैलेंस हो गए इधर, ये क्रॉस हो के इधर इज इक्वल टू आर, देन 1 minus 1.0125 whole power minus 12। 12 की वैल्यू आपको दिया है तो इसको नीचे लेकर जाते हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर 1/1.16075452 दिस विल गिव यू 0.1607452 अपॉन, क्रॉस होके इधर देन नीचे और पॉइंट्स रिमूव, ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी दैट इज 50 × 125 अपॉन,
ये वैल्यू क्रॉस होके ऊपर 160 11607545 2 अपॉन 160754542 आर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल गिव यू 45130 0.43। ये आपका रेगुलर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आएगा जो आपको पे करना है टू गेट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 लाख फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 50,000 सॉरी फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 5,50,000 विद अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 करेक्ट। चलिए ये प्रेजेंट वैल्यू का और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट आपके साथ हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट डन है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके फॉर्मूला लिस्ट विद सम शॉर्टकट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बटन बेल आइकन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।